नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। क्या कहेंगे वर्कर के लिए और यहाँ सलाम के लिए? देखिए, तो अभी हमको अभी हाल में बने, इसलिए ये तो परंपरा है स्वागत वगैरह का। और हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार गांव-गांव तक हो, हर पंचायत तक हो, और सभी समाज के वर्गों को जोड़ा जाए और सभी तबके के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और आने वाले इलेक्शन में हमारा गठबंधन जो है सातों विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन जीतेगी, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और कार्यकर्ताओं को भी मैं आग्रह करूंगा कि और सबको लेकर कि भाई हम सातों सीट जीते और भारतीय जनता पार्टी का सीट का और भी बढ़ोतरी हो। धन्यवाद। संकल्प सेवा संस्थान के लिए सब, संकल्प सेवा संस्थान तो बहुत अच्छी संस्थान है और मैं कई बार इस संगठन के कार्यक्रम में रहा हूँ। और ये गरीबों के लिए कम्बल बांटना, फिर आपको वो तारा चंडी में एसी हॉल इन्होंने बनवाया है, बहुत सारा काम किया है। और ये इस तरह से एक समझिए कि मैं भी संस्था का एक अंग हूँ और इसीलिए इन लोगों ने जब कार्यक्रम रखा तो हम आए हैं यहाँ पर। और सब भाई बंधु हैं और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी इनको और सहयोग करेगा और संस्था के कामों को आगे बढ़ाने का हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं और लगातार आपके दल के द्वारा प्रशिक्षण अभियान, तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जागरूकता के लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, नागरिक संशोधन बिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का और उद्देश्य के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये आपको जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का हमारे जितने भी बड़े नेता हैं और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबका सोच था कि ये जो बाहर से हमारे जो भी और तीन जो देश है उससे सताए हुए जो लोग आए हैं हमारे भारत में और उन लोगों को नागरिकता देने की बात, वो तो पहले से हम लोग का था, इसलिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको किया है और आगे इस विषय को और हम लोग पूरा करेंगे।